हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारे सीरीज में हमारा 114th लेक्चर है. पेपर टू सेक्शन बी को आज हम टॉपिक वन इसका शुरू करेंगे जो कि है इंडियन फॉरेन पॉलिसी. जो टॉपिक वन है इसका, ये बेस है इसके आने वाले सेक्शंस का, क्योंकि इस सेक्शन का नाम जो है वो इंडिया की, इसमें फॉरेन पॉलिसी को ही डिस्कस किया जाएगा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी. इससे पहले हम इंडिया और वर्ल्ड पढ़ा था पेपर टू सेक्शन ए में, इंडिया एंड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी, कुछ सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे. लेकिन जो सेकेंड जो इसका सेक्शन बी है वो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी. सो हमने जो टॉपिक वन है ये बेस है आने वाले जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, क्योंकि इसमें पूरी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से इवॉल्व हुई, पहले किस टाइप की हुआ करती थी, फिर क्या क्या टाइम के साथ चेंजेस आते गए, वो सारा कुछ हमने इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है. इस टॉपिक को, पेपर टॉपिक वन को ध्यान से समझ लिया तो फिर बाकी के आने वाले सेक्शंस में जो हम पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे, इंडिया के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको इसका बेस पता होगा. सो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज. तो ये वाले टॉपिक हम आज कवर करेंगे. आज तो खैर नहीं होगा, काफी बड़ा ये हमारा टॉपिक है, धीरे धीरे करके एक एक करके करते रहेंगे. उससे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो टेलीग्राम पे फ्री वाले ग्रुप्स हैं आप लोगों को जरूर से ज्वाइन करने हैं, और कुछ पेड ग्रुप्स भी हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए हैं, यूपीएससी के लिए है, ऑप्शनल्स के लिए है, और हमारे पीएसआईआर ऑप्शनल का भी पेड ग्रुप है, चल रहा है, जिसमें 8 कॉम्प्रिहेंसिव और 4 आपको फुल लेंथ टोटल 12 टेस्ट मिलेंगे. वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और जो नोट्स से मैं पढ़ाती हूँ वो नोट्स मिलेंगे. अगर आपको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी जो हम पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी चीज क्या है, क्या होती है फॉरेन पॉलिसी. जैसे कि फॉरेन पॉलिसी एक नॉर्मल पॉलिसी है, जैसे कि और भी बहुत ज्यादा कंट्री, हर एक कंट्री बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, अपने डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज्यादा पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, और भी बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, सोशल सेक्टर में काफी ज्यादा पॉलिसीज बनाए जाते हैं. तो फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी है कि हम एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि हमने जो है हमारी कंट्री ने बाकी कंट्रीज के साथ किस तरह से अपने रिलेशंस को कंडक्ट करना है. अगर हम, जैसे कि ये इंडिया है, कोई भी कंट्री, हर कंट्री की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, जैसे कि ये इंडिया है, तो इंडिया ने ये सोचना है कि जो मेरे नेबर हैं या फिर पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, कहाँ कहाँ से उसको क्या क्या एडवांटेज हो सकती है, वो पहले अपने अपने गोल्स सेट करते हैं कि हमें जो है क्या क्या चाहिए फॉरेन के कंट्री से, बाहर से, जो हमारी कौन कौन सी एस्पिरेशंस है जो पूरी हो सकती है, हमें क्या क्या चाहिए पहले वो सेट करते हैं, फिर उसके बाद वो जाके कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को कंडक्ट करते हैं, और वो भी एक प्रॉपर पॉलिसी बनी होती है कि कौन सी कंट्री के साथ हमने किस तरह से रिलेशन रखने हैं, कोई हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, कोई हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं है. सो हमने जो है बहुत ज्यादा हर एक रीजन के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई हुई है. जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ डील करने के लिए हमारी पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है. वेस्ट एशिया के साथ डील करने के लिए हमारी लिंक वेस्ट पॉलिसी है. सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया है. ऐसे करके ये तो चलो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है वो तो साउथ एशिया ही है. एक्सटेंडेड नेबरहुड में राइट साइड पे हमारा साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, लेफ्ट साइड पे हमारा वेस्ट एशिया आ जाता है, ऊपर से सेंट्रल एशिया. सो बाकी हमें हर जगह पे बाकी कंट्रीज के साथ किस तरह से अपने रिलेशंस रखने हैं, तो इस तरह से हमारे जो इसके बाद वाले टॉपिक्स में हम जो है साउथ एशिया के साथ, बाकी जो मेजर पावर्स हैं उनके साथ हम किस तरह से डील करते हैं, कौन कौन से फील्ड्स में डील करते हैं, वो सब कुछ हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे. सो हर एक कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है. तो प्रेजेंट एजेस ऑफ नेशन स्टेट्स एंड इंटरनेशनलिज्म इन विच नो स्टेट हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट मे बी कैन लिव इन आइसोलेशन. अब के टाइम में कोई भी नेशन, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो, कितना स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता. फॉर एग्जाम्पल, बड़े इकोनॉमीज यूएसए
क्या वो क्या यूएसए आज के टाइम में आइसोलेशन में रह सकता है, चाहे ट्रंप कहें कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में वो जो है अपना पैसा जो है बाकी जो कंट्रीज में बर्बाद कर रहे थे, जैसे कि मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी लाने के लिए उन्होंने अपने इतने ज्यादा ट्रूप्स लाए हुए थे, वो इनका कहने का इसीलिए उन्होंने ट्रूप्स लाए थे क्योंकि वो कहते थे कि उनका ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह डेमोक्रेसी को लाए, तो उसके लिए जब भी ट्रंप आए तो उन्होंने वापस विड्रॉ करना शुरू कर दिए ट्रूप्स को हर जगह से, तो उन्होंने कहा कि फॉरेन के कंट्रीज के ऊपर हम क्यों अपना पैसा वेस्ट करें। तो बाकी चाइना के साथ जैसे कि हम उन्होंने कहा था कि जो इंपोर्ट हम करते हैं वो भी हम करना बंद कर देंगे, जो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील्स हुए हैं वो भी हम खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी ट्रंप सब कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनको भी पता है कि ये सब कुछ आज के टाइम में आइसोलेशन में कोई भी नहीं रह सकता, चाहे वो कितना बड़ा नेशन ही क्यों ना हो। एवरी स्टेट हैज टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज फॉर सेफगार्डिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। सो हर एक कंट्री का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट वेरी करता है, सारे कंट्रीज का अलग अलग होता है। जैसे कि हम हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान हमें तंग करता है तो हमें जो है एक पॉलिसी उसके लिए बनानी पड़ती है कि किस तरह से हमें उसके साथ डील करना है, जो कि बाकी कंट्रीज जिनके पास पाकिस्तान जैसा कोई नेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका, उनके नेबरहुड में उन्हें तंग करने के लिए कोई नहीं है, तो उनके लिए जो है उनका नेशनल इंटरेस्ट हमसे अलग हो गया। तो इसी तरह हर कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट अलग होता है और एक ही कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जो बेसिक्स है वो चेंज नहीं होते हैं लेकिन जो है थोड़ा बहुत जो है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1991 से पहले इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट था वो हमने जो है बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, हमारी जो है पॉलिसी इस तरह से थी कि हमने जो है इम्पोर्ट हमने बाहर से नहीं करना कुछ भी, एक्सपोर्ट भी हम ज़्यादा करते नहीं थे, लेकिन 1991 के बाद हमारा नेशनल इंटरेस्ट जैसे थोड़ा उसमें चेंजेस आए क्योंकि हमारी सिचुएशन ठीक नहीं थी, IMF ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, इसलिए हमें जो है अपनी पॉलिसी में चेंजेस करने पड़े, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लिबरलाइज किया। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें तो सेम ही रहती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो चेंज हो जाती हैं। द ट्रूथ इज दैट द एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट and essential function of every state and the policy adopted by one state keeping in view the protection and promotion of its national interests in order to determine its relations with others is known as foreign policy. ये तो नॉर्मल सी बात होगी कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की एक डेफिनेशन है, ये आप थिंकर के नाम के साथ नोट कर सकते हो क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड तो इस थिंकर को कोट करके फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन दे सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में जो थिंकर्स हैं उनको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी नाउ इज़ अ बंडल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट रेगुलेट द इंटरकोर्स ऑफ अ स्टेट विद अदर स्टेट्स। सो उसके बाद डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, एक नॉर्मल किसी भी नेशन की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, जिनके बेसिस पे जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना पड़ता है जो डिटर्मिनेंट्स है फॉरेन पॉलिसी के। फैक्टर्स जो है सेम ही रहेंगे हर कंट्री के लिए, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, हिस्टोरिकल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये सेम रहेंगे, लेकिन विद इन दीज जो है चीज़ें चेंज होंगी। जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, हर एक कंट्री के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो उनके अलग होंगे, हमारे अलग होंगे, तो हमने यहाँ पे जो पढ़ना है वो इंडिया स्पेसिफिकली पढ़ना है क्योंकि हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी इज डिटर्मिन्ड बाय सर्टेन ऑर्डर ऑफ फैक्ट्स, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक। नो स्टेट कैन एस्केप इट्स ज्योग्राफी, कोई भी स्टेट अपनी ज्योग्राफी से बच नहीं सकता है, जो उसकी ज्योग्राफी है उसको उसी के रिलेटेड जो है अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इंडियन ओशियन में है, तो इंडिया जैसे इस तरह से बना हुआ है, अच्छा मैप नहीं है, जस्ट समझाने के लिए थोड़ा सा है, तो ये वाला जो एरिया है ये पेनिनसुलर एरिया है, तो यहाँ पे इंडिया की जो आज जो हम इंडिया का हमारा नेशन है उसको शेप किया है, अगर हमारे यहाँ इंडिया पेनिनसुलर इंडिया नहीं होता तो आज शायद इंडिया का हिस्ट्री अलग होती, हमारे
क्योंकि यहाँ से जो था बाहर के ट्रेडर्स आए, जो ब्रिटिशर्स थे, पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, जो ट्रेडर्स थे एक टाइम पे ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन फिर इंडिया में बस गए थे, रूल करने लगे थे, वो यहीं से होते हुए आए थे. सो अगर इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी नहीं होती, यहाँ पे इंडिया यहाँ तक होता, लैंड बॉर्डर्स होते, तो शायद जो ब्रिटिशर्स जो नीचे से आए थे पेनिनसुलर इंडिया से, वो नहीं आते. उसके बाद जो है इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंडिया इंडियन ओशियन में है, उसके पास उसके बाद हमारी नेबरहुड में जैसे चाइना है, अफगानिस्तान है, यूएसएसआर है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एज इट्स इमीडिएट नेबर्स एंड ह्यूज लैंड फ्रंटियर्स एंड वेरी कंसीडरेबल कोस्ट लाइन, इंडिया हैज हैड टू बी क्लोज टू लैंड पावर्स एज वेल एज मैरिटाइम पावर्स. सो इंडिया की ज्योग्राफी कुछ इस तरह से है, जैसे कि इंडिया की जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि आधा इंडिया जैसे लैंड बाउंड्री है, ऊपर का जो एरिया है यहाँ पे पूरी लैंड है, और यहाँ पे जो है पूरे कोस्ट लाइन है. तो उसी तरह से हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी का सोचना पड़ता है. जैसे कि आजकल हम बहुत नावल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है अपनी कोस्ट लाइन को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करना है. इसीलिए होती है ना नावल एक्सरसाइजेस. जो नावल एक्सरसाइजेस होते हैं वहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि हमारे पास इतने हमारी जो नेवी है वो अभी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो हमें नेवी स्ट्रॉन्ग इसीलिए रखनी पड़ती है क्योंकि हमारा जो है इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है. सो अगर हमारी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी नहीं होती, हमारा जो है लैंड लॉक्ड कंट्री होती, तो आज हमारी वैसी पॉलिसी नहीं होती. उसके बाद है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन. एक कंट्री की हिस्ट्री उसके फ्यूचर को, उसके प्रेजेंट को हमेशा इंपैक्ट करती है. सिर्फ कंट्री ही क्यों, आप कोई भी इंसान लगा लो, किसी की भी इंसान की हिस्ट्री जो है उसके प्रेजेंट एंड फ्यूचर को ज़रूर से अफेक्ट करती है. आज कोई इंसान कैसा है डिपेंड करता है कि वो पास्ट में कैसा था, उसने क्या किया है, क्या उसका काम है, तो आज वो उसी पर डिपेंड करेगा उसका. वैसे ही नेशंस का होता है, हमारे पास्ट में क्या है उस पर आज हमारा आज और कल डिपेंड करता है. सो इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रही है. जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो था, हमारी जो आज उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने बहुत ज्यादा फीचर्स जो है 1935 के एक्ट से ड्रॉ किए थे. अगर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस तरह से नहीं लगाई होती, तो हो सकता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती. लेकिन हमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ हमारे लीडर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब जो है एकदम डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की बजाय हमें वही गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए जहाँ पे हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है. तो उसी तरह से इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में कनेक्शन बना हुआ था पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से. और बॉन्ड था, बॉन्ड प्रोवाइडेड बाय इंग्लिश लैंग्वेज. उसके बाद है देन द अदर बॉन्ड वॉज दैट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ. तो उसके बाद क्या हुआ था, जैसे जो कॉलोनीज हुआ करते थे, अभी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वो वाले कंट्रीज है जो एक टाइम पे कॉलोनीज हुआ करते थे ब्रिटेन की. जब ब्रिटेन ने विदड्रॉ किया उसके बाद जब हर जगह पे पहले कॉलोनीज हुआ करते थे, लेकिन फिर जो है सारी कंट्रीज ने एक एक करके इंडिपेंडेंस ले ली थी, तो बाकी सारे कंट्री ब्रिटेन ने ही एफर्ट लिया था कि जो इनके फॉर्मर कॉलोनीज थे उनको जो है एक ग्रुप में लाया जाए. तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का ग्रुप बनाया गया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू क्विट इंडिया टच द हार्ट एंड स्टर्ड द इमोशंस ऑफ इंडियंस एंड इन स्पाइट ऑफ शार्प डिफरेंसेस फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन परसिस्टेड. तो क्या हुआ कि एक टाइम पे इंडिया एंड ब्रिटेन जब उन्होंने यहाँ पे हमें कॉलोनाइज किया हुआ था तब हमारे लीडर्स जैसे थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि ब्रिटेन से बहुत नफरत करते थे, वो चाहते थे वो यहाँ से चले जाए. लेकिन जब वो एकदम से चले गए तब हम उसके बाद से हमारे रिलेशन उसके साथ अच्छे हो गए, ब्रिटेन के साथ उसके बाद, क्योंकि वो तो हम उन्हें भेजना चाहते थे और वो चले गए, तो बाद में नफरत का कोई माहौल रह नहीं गया था. तो हमारे जो है रिलेशन ब्रिटेन के साथ धीरे धीरे अच्छे होते गए. हिस्टोरिकल लव फॉर मेटाफिजिक्स. तो मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स फिलोसफी की एक ब्रांच है जिसमें ऐसी चीज़ों के साथ डील किया जाता है जैसे कि दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्स जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ, किस तरह से, जो चीज़ों का जवाब हम आम लोगों के पास नहीं होता है मेटाफिजिक्स में, उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है. जैसे इंसान कैसे बना, धरती पे पहली चीज़ कैसे आई, यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ, तो ऐसी चीज़ें जो है ये इंडिया में ज़्यादा देखने को मिली हैं क्योंकि हमारा पास्ट इस तरह से है. क्योंकि यहाँ पे इंडिया को जैसे स्पिरिचुअल लैंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा धर्मों का जन्म हुआ है, इतने बड़े बड़े पीर फकीरों ने यहाँ पे जन्म लिया है. तो इस तरह से हमारा जो लव फॉर मेटाफिजिक्स है कलर्ड द थिंकिंग ऑफ इंडियंस ऑन फॉरेन अफेयर्स
relations between China and India could partly be explained in terms of history. The fact that Burma was at one time part of India partially affected our attitude towards that country, just as a historic ties between India and India. On the one hand, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Afghanistan, on the other hand, have something to do with our relation with those countries. तो ये कहना है कि इसका कि जो हमारे historical linkages other countries के साथ हैं, वो हमारे आज को भी impact करते हैं. जैसे कि जब हमने South East Asian countries के साथ अपने relation को मजबूत करना शुरू किया था, तब हमने अभी जो Prime Minister मोदी हैं, ये historical link, जैसे कि temple वगैरह वहाँ पे Prime Minister मोदी हैं, किसी country South East Asia में जाते हैं, तो वहाँ पे किसी temple में visit करना. तो इस तरह से ये सब क्या होता है, ये सब जो है अपनी जो हिस्टोरिकल टाइज है उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है. हिस्टोरिकल टाइज जिन कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन आज भी अच्छे हैं, जैसे कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया में देख लो, और हमारे श्रीलंका के साथ भी हमारे रिलेशंस हैं. बीच बीच में रूलर्स की वजह से थोड़े बहुत रिलेशन खराब होते हैं, लेकिन फिर भी जो हिस्टोरिकल टाइज होती हैं वो काफ़ी हद तक डिटरमिन करती हैं हमारे आज को, हमारी आज की फॉरेन पॉलिसी को. उसके बाद है आइडियोलॉजिकल सोर्सेस. आइडियोलॉजी हमारी जो है, हम किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उस वही आइडियोलॉजी को फॉरेन पॉलिसी में भी हम कंटिन्यू करते हैं. जैसे कि हमारी जो थिंकिंग है इंडिया में, महाभारत, अर्थशास्त्र, ऐसे बड़े बड़े जो टेक्स्ट इंडिया में लिखे गए हैं, आज भी हम जो है उनको रेफर करते हैं, तो वहाँ पर जो लिखा गया है उनको मानते हैं, उन्हीं को हम जो है हर जगह इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अकॉर्डिंग टू पनीकर, फॉर इंस्टेंस, महाभारत इज दैट इंसाइक्लोपीडिया. तो इनका कहना है कि महाभारत एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है, आज हमारे पास वेस्टर्न लिटरेचर है, थॉट है, फिर भी आज हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए महाभारत को आज भी रेफर करते हैं. महाभारत में जो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिनको आज भी हम अपनी जिंदगी से जोड़ के देखते हैं, और उन्हीं को हम फॉरेन पॉलिसी में भी जो है फॉलो करते हैं. जैसे कि इंडिया में हमारा जो आइडियलिज्म रहा है थोड़ा फॉरेन पॉलिसी में नेहरू जी के टाइम पे, कि हमने पीस लविंग कंट्री कहा जाता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक स्पिरिचुअल लैंड रहा है, तो यहाँ पे हर एक धर्म जो है वो प्यार करना सिखाता है, कि हम दूसरे से प्यार करें, उसको नफरत ना करें, चाहे वो दूसरा इंसान है, दूसरा देश है, शांतिपूर्वक हम सब रहें. तो इसी तरह से हमारी ऐसी ही सोच फॉरेन अफेयर्स में रही है कि हम जो है बाकी कंट्रीज के साथ पीस मेंटेन करें. हमने कभी भी वॉर को प्रमोट नहीं किया. हमने, हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने कभी किसी नेशन के ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक नहीं किया है. कितने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस लिए हुए, उसके बाद हमने एक बार भी किसी कंट्री के ऊपर अपनी तरफ से पहला अटैक नहीं किया है. जितनी भी हमारी वॉर्स चाइना के साथ हुई, पाकिस्तान के साथ हुई, तो पहला अटैक उन्होंने किया था, हमने पहला अटैक बिल्कुल भी नहीं किया. हमारी ऐसी हिस्ट्री रही है, और इसका रीज़न यही है कि हम जो है अपने पुराने जो टेक्स्ट हैं जो ये सिखाते हैं कि हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए, वॉर नहीं करनी चाहिए, तो हम वो थिंकिंग को फॉलो करते हैं. उसके बाद है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. अकॉर्डिंग टू हिम, इनेबल्स हिंदू थिंकर्स टू इवॉल्व अ प्योरली सेकुलर थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ विच द सोल बेसिस इज पावर. उसके बाद है द मेन टेनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एज लेड डाउन बाय द कांग्रेस पार्टी. तो जो हमारे कांग्रेस पार्टी है, जो इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए, जिन चीज़ों पर इन्होंने ध्यान दिया, जैसे ऑपोजिशन टू इंपीरियलिज्म, अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन इंटेंगलमेंट्स, पीस, वर आइडियाज ड्रॉन फ्रॉम द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द अमेरिकन रिपब्लिक, हु वर नॉट मेयर आइडलिस्ट बट कन्वर्स्ड इन रियल पॉलिटिक्स. आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग इन फैक्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मोर देन गांधीज्म सीम टू हैव अफेक्टेड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड थिंकिंग. सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड थिंकिंग को अफेक्ट गांधीज्म से ज़्यादा ये बोले डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ने किया है, डेफिनेटली किया है. क्योंकि क्या हुआ था कि जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, रशिया में सोशलिज्म आया था 1917 में, तो वहाँ पे क्या हुआ था 1917 में जब सोशलिज्म आया था, तब जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये जो एडुकेटेड हुआ करते थे अच्छे से, तो ये बहुत बुक्स पढ़ते थे, इनको पता लगा कि वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ है, सोशलिज्म आया, सोशलिज्म के बहुत फ़ायदे हैं. हालांकि सोशलिज्म बाद में एक करप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी कंट्री में फर्स्ट टाइम सोशलिज्म आए तो काफ़ी सालों तक वहाँ पर सिचुएशन अच्छी चलती है, क्योंकि वो एक एम के साथ आता है कि हमने जो है हर जगह पर इक्वालिटी लानी है. लेकिन फिर
क्या होता है, बाद में जो पावर में लोग होते हैं, अब पावर जैसे हर एक इंसान को कहते हैं करप्ट कर देती है, कोई ही बचता है इससे। सो पावर से लोग करप्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद करप्शन आता है, वो बात अलग है। तो सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, तो इसकी वजह से जब वो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे फ्रीडम फाइटर्स इतना इंस्पायर्ड हुए थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से, इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ऐसी ही रखी थी कि हमें जो है सोशलिज्म को प्रमोट करना है, हमने लिबरलिज्म की बजाय सोशलिज्म पे ध्यान दिया था, और हमारा सोशलिज्म डेमोक्रेटिक था, रशिया के जैसे नहीं था, हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी थी। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह से शेप करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमिक फोर्सेस हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वैसी ही फॉरेन पॉलिसी हम जो है आगे लेके जाएंगे। अगर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया की थी, मेजर इकोनॉमिक फैक्टर हैज बीन द कंपैरेटिव बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारी कंट्री पूरी तरह से बैकवर्ड थी, हमारी एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप, जैसे कि लोगों ने फूड ग्रेन्स की बजाय कैश क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया था, जगह जगह पे फेमीन पड़ने लगे थे और हमारी लैंड एकदम बर्बाद सी हो गई थी। सो मैन्युफैक्चरिंग बेस तो हमारा वैसे ही नहीं था, सर्विसेज कुछ नहीं थे, तो हमारा जो एग्रीकल्चर में एक टाइम पे स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो भी बैकवर्ड हो गई थी। तो इस तरह से हमने जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लगाई, वो भी एक टाइप की फॉरेन पॉलिसी ही है कि हमें जो है फॉरेन के कंट्रीज के साथ डील नहीं करना है, हमने जो है जो बाहर से चीजें हम मंगवाते हैं वो हमने इंडिया में ही बनानी है, वो हमने इस तरह से ऐसी पॉलिसी बनाई थी क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका था, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो हम नहीं चाहते थे दोबारा से किसी के ऊपर हम डिपेंड हो जाएं। तो इकोनॉमी इज येट टू बी स्टेबलाइज एंड अवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर स्टिल डेवलपिंग, इंडिया इज इन नीड ऑफ फॉरन एड टू असिस्ट इन बिल्डिंग अवर इकोनॉमी एंड इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव अबाउट पोलिटिकल स्ट्रिंग्स दैट मे बी अटैच टू देम। तो इंडिया को फॉरेन कंट्रीज की जरूरत तो थी, लेकिन फिर भी इंडिया की पॉलिसी ऐसी थी कि हमने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, जैसे कि हमने फूड ग्रेन्स इंडिपेंडेंस के बाद यूएसए से मंगवाना शुरू किए थे, उसके बाद हमने जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स यूएसएसआर से लिए थे। तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है उसी पे मैटर करता है कि हमारी कैसी फॉरेन पॉलिसी होगी। अगर हम जो है फूड सफिशिएंसी हमारे इंडिया में होती तो यूएसए ने जो हमारे साथ किया था एक टाइम पे वो नहीं कर पाता, हम जो है फूड मंगवाते थे यूएसए से फूड ग्रेन्स, लेकिन जो है उसके उस टाइम पे जो है हमने जो है यूएसए को सपोर्ट नहीं किया था, जो इंटरनेशनल लेवल पे वो जो जगह जगह पे वॉर करवाते थे कि जैसे डेमोक्रेसी लानी है, तो ऐसे वियतनाम वॉर जो चल रही थी स्पेशली उस टाइम पे 1965 के से जो शुरू हुई थी वियतनाम वॉर, वहाँ पे हमने उनको सपोर्ट नहीं किया था, हमने यूएसए को सपोर्ट नहीं किया था। तो यूएसए ने क्या किया था, हमारी एड जो थी फूड एड वो देते थे वो बंद कर दिया था। तब उसके बाद हमें एकदम से बहुत झटका लगा था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट तब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तब उन्होंने फिर वो जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो तब आया था। तो उसके बाद है इकोनॉमिकली द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिसरप्टेड इंडियाज इकोनॉमी सो दैट इंडिया बिगेन विद द डॉक्ट्रिन दैट पॉलिटिकल फ्रीडम वुड रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट द रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इमेंसिपेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप पोलिटिकली कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था कि यूएसए से हम जो है एड मंगवाते थे क्योंकि हम जो है इकोनॉमिकली हमारे पास फूड नहीं था, फूड ग्रेन नहीं थे, हम बाहर से मंगवाते थे, सो हम जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो हम पॉलिटिकली भी हमें उनके आगे झुकना पड़ सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी जी जैसे वो नहीं झुकी उनके सामने। लेकिन क्या होता है कि कई बार एक्सट्रीम सिचुएशंस में हमें झुकना पड़ता है, सो सबसे पहले जरूरी है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, उसके बाद पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जरूर आ सकती है। उसके बाद है दिस कंपल्शन अर्ज इंडियन फॉरेन एड फ्रॉम ऑल अवेलेबल सोर्सेज द वेस्ट एज वेल एज ईस्ट एंड एड विदाउट पॉलिटिकल स्टिंग्स नॉन इन्वॉल्वमेंट इन मिलिट्री अलायंसेज, जो इंडिया ने किया था एक टाइम पे, उन्होंने उनका जो आइडिया था नॉन अलाइनमेंट का कि हमें किसी के साथ अलाइन नहीं करना, जिससे हमें वेस्ट एंड ईस्ट दोनों से हेल्प मिली थी, नॉन इन्वॉल्वमेंट इन मिलिट्री अलायंस, हमने जो है नॉन इन्वॉल्वमेंट किसी भी मिलिट्री अलायंस में हम जो है एंटर नहीं हुए थे, डिमांड फॉर बेटर डील फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, दीज फैक्टर जनरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट।
जबकि नॉन अलाइनमेंट का इंडिया को बहुत बड़ा कीमत देनी पड़ी थी, जैसे यूएसए ने फूड एड को विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद रशिया के साथ भी हमें 1971 में पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी को साइन करना पड़ा था। कहने के लिए हम नॉन अलाइन थे, सिर्फ फर्स्ट फेज नॉन अलाइनमेंट का टोटली नॉन अलाइनमेंट रहा, नॉन अलाइन हम रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे यूएसएसआर के साथ हम क्वाजी अलाइंस में आ गए थे, पूरी तरह से अलाइंस तो नहीं था लेकिन क्वाजी अलाइंस था। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत मैटर करता है कि किसी भी हमारे जो रूलर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, बहुत मैटर करता है उस चीज़ पे, हमारे देश का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। इंडिपेंडेंस इंडिया एंड पाकिस्तान को एक ही टाइम पे मिली थी, इंडिया के लीडर जो थे प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इंडिया को इतने अच्छे से लीड किया कि आज हम जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान का हाल देख लो कि क्या वहाँ पे हो रहा है। तो पर्सनालिटी जो है बहुत मैटर करता है, पर्सनालिटी वाला फैक्टर बहुत मैटर करता है। अनदर सोर्स ऑफ इंडियस फॉरेन पॉलिसी कैन बी सेड टू बी द पर्सनालिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु गवर्न फॉर अबाउट 17 ईयर्स, हु वॉज ऑल्सो द फॉरन मिनिस्टर एंड द मेन आर्किटेक्ट ऑफ फॉरन पॉलिसी। मैन लाइक सरदार पटेल, के एम पानीकर, वी के कृष्णा मेनन ऑफकोर्स मटीरियली इन्फ्लुएंस इस कोर्स टन एंड टेनोर। सो ये जो है टोन एंड टेनोर, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हमारे इंडिया में रही है, जिनकी वजह से आज हमारी कंट्री बहुत ही स्टेबल है, बहुत अच्छे से हम ग्रो करते हैं, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पीपीपी मैटर्स में हम बन चुके हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। उसके बाद है रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियाज फॉरन पॉलिसी, ऑन सम ओकेजन सच एज द हंगेरियन इशू, गोवा 1961, बांग्लादेश एंड द श्रीलंका जेनोसाइड अगेंस्ट द तमिल्स हैज बीन कंसीडरेबल। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे बांग्लादेश को हमने खुद क्रिएट किया था, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि इंडिया की जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, और तब क्या हुआ था जैसे कि एक पहले क्या होता था, जैसे ये इंडिया हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश है, आपका बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तो ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये दोनों पाकिस्तान थे, बीच में इंडिया फंस गया था। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो इधर के इनको गवर्न कर रही थी, यहाँ पे इनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस ग्रुप्स बनना शुरू हो गए, जिन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ की हालत बहुत खराब थी। तो यहाँ की हालत इतनी खराब थी तो इन लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। तब क्या हुआ कि एक टाइम पे 1971 से पहले इतनी हालत खराब हुई कि यहाँ से रेफ्यूजीज जो है वो यहाँ आना शुरू हो गए। तब इंडिया की हालत अपने आप ही ठीक नहीं थी, क्योंकि उधर दो तीन साल पहले फेमींस पड़े थे, तो हमारे पास ना तो फूड था इतना देने के लिए, ना ही हमारे पास कोई और सुख सुविधाएं थी, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन खुद स्ट्रगल कर रही थी, तो इतने इतने जो है लाखों में रेफ्यूजीज आ रहे, हम उनको कैसे केटर करते। तो उस वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थी, उन्होंने एक बहुत अपने दिमाग से सोचा कि उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया, जो यहाँ पे लिबरेशन ग्रुप्स हुआ करते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इनको सपोर्ट करते करते हमने इनको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया, और इस तरह से बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में हमारा बहुत बड़ा, हमारा सबसे बड़ा रोल कह सकते हैं। तो ऐसे जो है फॉरेन पॉलिसी लीडर्स के ऊपर डिपेंड करती है, अगर तब इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन इंदिरा गांधी ने नहीं लिया होता तो आज हमारे हमारे दोनों तरफ में पाकिस्तान होता, बीच में हम पिस रहे होते, हमसे ही तो एक ही पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा है, दो दो पाकिस्तान संभालना तो मतलब इम्पॉसिबल ही हो जाता। तो इसी तरह से बाकी भी कंट्रीज में हुआ है, जैसे कि गोवा को लिबरेट कराना है, श्रीलंका में जो जेनोसाइड होता हुआ था अगेंस्ट तमिल्स, वहां पे भी इंडिया की जैसे इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो पर्सनालिटी पे, पर्सनालिटी फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। उसके बाद है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड फॉरेन सर्विसेज। तो जो हमारी पॉलिसी है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसका काम ही वही है, पॉलिसी बनाना। खैर प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन फिर भी उनका जितना भी काम होता है फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ही होता है। और जो फॉरेन सर्विसेज होती है ना, फॉरेन सर्विसेज के अंडर जो ऑफिशियल्स होते हैं वही जो है वहाँ पे फॉरेन अफेयर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वहाँ पे होते हैं, वही ऑफिशियल्स होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड द फॉरेन सर्विस ऑन फॉरेन पॉलिसी इज एज ग्रेट एज एनी वेयर एल्स। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी को बनाना, एग्जीक्यूट करना इन्हीं का काम होता है। इट वॉज इन 1947 दैट द टू डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस वर अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। टू ईयर्स लेटर द अपेंडेज कॉमनवेल्थ रिलेशंस वॉज ड्रॉप्ड।
The Indian Foreign Services was instituted as a specialized service for conduct of whole range of India's foreign relations, political, consular and commercial. तो एक टाइम पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ रिलेशंस के जितना भी होता था प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता था, उसके बाद कॉमनवेल्थ को वहां से रिलेशंस को ड्रॉप कर दिया गया. फॉरेन जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है इनको अलग से बनाया गया था ताकि जो जितने भी हमारे फॉरेन रिलेटेड रिलेशंस है वहां पे जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना जो फॉरेन मिनिस्ट्री में जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज से ड्रॉ किए जाते हैं. इट वॉज क्रिएटेड इन अक्टूबर 1946. तो जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इसको 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी उस टाइम पे थी, फुल टाइम गवर्नमेंट तो थी नहीं तब, 1946 में जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने क्रिएट किया था. एट प्रेजेंट इंडिया हैव डिप्लोमेटिक एंड कौंसुलर रिलेशन विद अबाउट 155 कंट्रीज. उसके बाद है द फंक्शंस ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज इन जनरल टर्म्स मे बी डिफाइंड एज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री एंड एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉरेन सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दरेंस ऑफ इंडियाज पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट. इट्स मेंबर्स हैव टू कंडक्ट डिप्लोमेसी विच मीन्स नेगोसिएशंस विद अदर गवर्नमेंट्स. सो जितने भी हमारे कंट्री अपनी हमारी अपनी कंट्री के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस होते हैं वो सारे जो भी है उसके पीछे ऐसा नहीं है कि नॉर्मली क्या होता है कि दिखाया न्यूज़ में ऐसे जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जैसे यूएसए में विजिट किया, हाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन किए फिर वो वापस आ गए. उन डॉक्यूमेंट्स के पीछे का जितना भी वर्क होता है जो बैकग्राउंड में जो सब कुछ चल रहा होता है वो सारा इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लोग ही करते हैं. सो एक पॉलिसी को बना लेना सब कुछ नहीं होता, उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा वो सारा फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सब देखते हैं. उसके बाद पार्लियामेंट, देयर इज एन इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन फॉरेन अफेयर्स टू विच मेंबर्स ऑफ ऑल पार्टीज एंड ग्रुप्स आर इनवाइटेड एंड विच मीट्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बट इट्स इन्फ्लुएंस इज नॉट कंसीडरेबल. The domination of Congress party and the charter of Indian Parliament is partly responsible for this. Again, most of the foreign policy decisions have received national approval and all parties agreed on the basic principles. Now, normally क्या है कि foreign policy matters में हमारी जो parliament है उसको ज़्यादा बड़ा role नहीं दिया गया है. जैसे foreign policy को conduct करना Ministry of External Affairs, Foreign Services, PMO यहाँ पे सारा कुछ होता है. जो हमारी parliament है उसको कोई बड़ा role नहीं दिया गया foreign affairs में, क्योंकि कुछ ट्रीटीज होती हैं जहाँ पे ऐसा होता है जैसे पार्लियामेंट से हर एक कंट्री को अपनी पार्लियामेंट से उन्हें रेटिफाई कराना पड़ेगा, तो सिर्फ वहां पे इसका थोड़ा बहुत पार्लियामेंट का रोल आता है. अदरवाइज जितने भी डिसीजंस होते हैं फॉरेन अफेयर से रिलेटेड उसमें जो है हमारी पार्लियामेंट का ज्यादा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है. उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉरेन पॉलिसी. सो हमारी कंट्रीज में कैसे किसी भी कंट्री में किस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी है वो किस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है बहुत मैटर करता है कि वो किस टाइप की पॉलिसी को कंडक्ट करेगी. अब सिंपल सी बात है, अगर हमारी जो कोई हमारी कोई भी पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म है डेफिनेटली वो उन नेशंस के साथ ज़्यादा अपने रिलेशंस को अच्छा करना शुरू करेंगे जो खुद जिन कंट्रीज में सोशलिज्म है. और जो है हमारी लिबरल पार्टीज हैं वो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लिबरल कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करें. सो किस कंट्री के साथ हमारे कैसे रिलेशंस होते हैं डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है उस टाइम पे. Political parties are the indispensable link between the people and the representative machinery of the government. Political parties are inevitable for the success of democracy, but they are considered extra constitutional bodies in almost all democratic parties. It means that fundamental law of the land does not recognize them as part of the administrative or political machinery. In spite of this, they function within the limits of the constitution and make the democracy fruitful. In India, foreign affairs were of secondary importance to political parties. Almost all political parties for a long time entirely engrossed in internal politics and paid little attention to foreign developments. India में क्या हुआ था कि independence के बाद जैसे हमारी import substitution वाली policy है तो
किसी भी कंट्री ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें फॉरेन के नेशन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। और जिस तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसी के बाद कितने ज्यादा दंगे होने शुरू हो गए थे, कितने इंडिया में इश्यूज थे, तो जितने भी ज्यादातर पहले पार्टीज रहे वो अपने इंटरनल अफेयर्स में ही ज्यादा उलझे रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए स्पेशली सोचना करना, तो उनके पास ना तो उतना टाइम था ना ही उतने एक्सपर्टीज थे। तो इस तरह से पहले के जो हमारे पार्टीज थे वो ज्यादा फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने खुद को फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं किया। 1991 के बाद से ज्यादा शुरू हुआ। इससे पहले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम है, जैसे कि आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमने जो 1991 के इससे पहले कंट्रीज के साथ, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की लीडरशिप हमें मिली हुई थी, तो हमारा ज्यादा फोकस जो रहा है वो यही रहा है कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था कि हमने जो है थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज को, साउथ के कंट्रीज को नॉर्थ के जो है एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी से बचाना है, साउथ के कंट्रीज में डेवलपमेंट लानी है, हर एक साउथ की कंट्री जहाँ पे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे रोकना है। तो इस तरह से हमारी आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी थी कि हमने जो है हर कंट्री जिनके साथ कुछ बुरा हो रहा है उनको मॉरल सपोर्ट देना है, उनके साथ खड़े होना है। लेकिन उसके 1991 के बाद जो है इकोनॉमी वाला डायमेंशन ऐड हुआ, जब हमें इकोनॉमिक रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ इस्टेब्लिश करने थे। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर इंडिपेंडेंस वर नॉट पार्टीज इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, एज दे वर प्रेशर ग्रुप्स डिवोटेड टू द वन एंड ओनली कॉज द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड वर फंक्शनिंग अंडर एन इम्पीरियल नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो अगर इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो जो हमारे पार्टीज थे वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि तब तो हमारा इंडिपेंडेंट नेशन नहीं हुआ करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। Unlike American Constitution, Indian Constitution has not given a chance for Parliament to approve foreign agreements entered upon by Government of India. This naturally reduces the importance of political parties in foreign affairs. So, अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ की पार्ट, जैसे कि उनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ से कांग्रेस, उनकी पार्लियामेंट कांग्रेस है तो वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में अपनी जो है पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, तो पार्लियामेंट में ही तो होती है, काफ़ी ज़्यादा पार्टीज के, अलग अलग पार्टीज के मेंबर होते हैं, तो उनको कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट को फॉरेन पॉलिसी में कोई खास क्या बड़ा रोल कुछ भी नहीं दिया जाता। सिर्फ कुछ ट्रीटीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको रेटिफाई कराना होता है अपनी अपनी पार्लियामेंट से। These days, the country's foreign policy and international strategic situation do not come with up for discussion in Lok Sabha as much as they used to do in the days of Jawaharlal Nehru. The debate on subject are not at the level at which they used to be in 1950s and 60s. This is understandable. So, जो पहले जो हुआ करता था, अब definitely time के साथ चीजें जो हैं वो change हो ही जाती हैं। Country की जो अब foreign policy है, international strategic situation है, ये कहते हैं कि अब जो है उस तरह से नहीं होता जैसे पहले होता था। पहले लोकसभा में discussions होते थे थोड़े बहुत, लेकिन तब उसका इतना बड़ा ऐसे पार्लियामेंट ने खैर कुछ रेटिफाई तो थोड़ा बहुत ही करना होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले जो है पार्लियामेंट में एटलीस्ट कुछ कुछ डिस्कस होता था फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत। तो ये बोलते हैं कि अब नहीं होता है, अब जो है पार्लियामेंट में ज़्यादा कुछ फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ज़्यादा डिस्कस नहीं होता। इन 1950-60s से जवाहरलाल नेहरू वाज ट्राइंग टू स्टीयर इंडिया ऑन द नॉन अलाइंड स्ट्रेटजी, ही वाज अंडर क्रिटिसिज्म बोथ फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट। तो अब क्या होता था कि जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी जैसे जो पॉलिसी थी, आइडियोलॉजिकल पॉलिसी थी, नॉन अलाइंड उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हमने किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी मिलिट्री पावर के साथ अलाइन नहीं करना है, नॉन अलाइंड रहना है हमने। तो उस टाइम पे जो है पार्लियामेंट में उनको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज, थोड़ा बहुत क्या, अलग अलग टाइप से क्रिटिसाइज किया जाता है। राइट और लेफ्ट के पार्टीज ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उनको जो, जैसे कि राइट्स के पार्टी थे वो नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, लेफ्ट के जो पार्टीज होते हैं वो सोशलिज्म कम्युनिज्म को प्रमोट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कहोगे कि आप किसी के भी साथ अलाइन नहीं करोगे तो पार्टीज गुस्सा हो जाएंगी, जैसे कि जो लेफ्ट वाले पार्टी थे वो नाराज हो गए कि आपको जो है, इन्होंने कहा कि आपको रशिया के साथ अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करने हैं। तो एक टाइम पे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ऐसी बातें जो थी वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ करती थी, लेकिन अब के टाइम में फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बड़े मैटर्स जो है वो डिस्कस नहीं किए जाते, क्योंकि अब जो है फॉरेन पॉलिसी में ज्यादातर, फॉरेन पॉलिसी बहुत इवॉल्व हो गई है, जो पार्लियामेंट में
डिस्कस नहीं किया जाता। अब जो है फॉरेन पॉलिसी पीओ में पीएमओ में ही ज्यादा बनती है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है। इससे पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो थोड़ी आइडियोलॉजिकल थी, तो उसके बारे में जो है डिस्कशन थोड़ी बहुत पार्लियामेंट में होती थी। उसके बाद है देन केम अ पीरियड ऑफ कंसेंसस, नॉन अलाइन बिकम मोर देन अ स्ट्रैटेजी, ऑलमोस्ट अ क्रीड दैट सूटेड इंडिया, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन विद ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस मार्क्ड अ शिफ्ट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो क्या हुआ कि जैसे कि पहले थोड़ा लेफ्ट और राइट के पार्टीज जो है क्रिटिसाइज करते थे नेहरू को, लेकिन बाद में उन्होंने भी जो नॉन अलाइन वाली हमारी पॉलिसी थी उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद चीजें जो है काफी चेंज हो गई, तब हमारा इंडियन इंडियन इकोनॉमी का इंटीग्रेशन जो है बाकी कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। शिफ्ट वॉज फर्दर री इन्फोर्स्ड विद द इंडिया बिकमिंग अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। सो इंडिया जो है, इंडिया ने जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था और खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो है एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एक स्पेस पावर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने हासिल कर ली थी काफी स्ट्रेंथ, इट्स इकोनॉमी ग्रोइंग एट मोर देन 7% एंड इट्स ट्रेड एक्सपैंडिंग रैपिडली। तो अब जो है हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है, क्योंकि हमारी जो है नेशनल इंटरेस्ट में बहुत चीजें हैं जो बढ़ रही है। पहले हमारा नेशनल इंटरेस्ट का जो स्कोप था वो कम था, अभी काफी बढ़ गया है। उसके बाद है रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन फॉरेन पॉलिसी। रीजनल पार्टीज का फॉरेन पॉलिसी में जो रोल है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहा है, इसको हम जो है कल डिस्कस करेंगे। 8 पॉइंट आज हमने डिस्कस कर लिए, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आप आंसर राइटिंग भी शुरू कर दो अच्छे से। जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है काफी नजदीक है, आई नो ज्यादातर जो है वो उसमें इन्वॉल्व होंगे एस्पिरेंट्स, अच्छी बात है। तो प्री देने के बाद एकदम से शुरू कर देना मेंस की प्रिपरेशन, और जिन्होंने यूपीपीसीएस मेंस देना है उनको तो लगातार देखना पड़ेगा, वो देखते रहिए, अच्छे से रिवीजन हो जाती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।